भूकंप के डेंजर वाले राज्य शहर आखिर डेंजर जोन वाले कौन से हैं, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जोन वाइज इन्हें बांट दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले जोन वन की सबसे पहले हम बात यहाँ पर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हालांकि अभी तक की स्टडी और एनालिसिस ये बताती है कि ऐसा कोई भी देश का हिस्सा नहीं है जो इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली आता हो। जोन वन की हमने बात की, लेकिन जोन टू को लेकर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि भूकंप के इस डेंजर जोन वाले राज्य और शहर में कौन कौन से आते हैं। जोन वाइज इनको बांटा गया है, तो उसमें जोन वन की आपने सबसे पहले बात हमने की कि ऐसा देश का कोई हिस्सा नहीं है जो जोन वन में आता हो। लेकिन अब बात जोन टू की करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भूकंप का हालांकि यहां पर कम खतरा बताया जाता है। जोन टू में कौन कौन से शहर आते हैं, बुलंदशहर, चंडीगढ़, मुरादाबाद, त्रिची और गोरखपुर खासतौर पर बताया जा रहा है कि भूकंप का कम खतरा अभी तक के एनालिसिस के बाद जताया जाता है। लेकिन इसी तरह से जोन थ्री के बारे में भी आपको बताएंगे क्योंकि यहां भी जोन थ्री कैटेगरी में भी यही कहा जाता है कि भूकंप का कम खतरा चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर में है। अब जोन वाइज एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले जोन फोर पर नजर डालना बहुत जरूरी है जिसका अभी एक्सपर्ट जिक्र कर रहे थे और उसमें राजधानी दिल्ली भी आती है। तो तबाही का खतरा जोन फोर तबाही का खतरा इसलिए क्योंकि यहाँ के अभी तक की स्टडी और एनालिसिस के बाद ये साफ हो चुका है कि अगर यहाँ पर जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो तबाही का खतरा बना हुआ है, खासकर हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम बंगाल इसमें बताए जा रहे हैं। तो जोन वाइज अगर हमने जिस तरीके से बात की है उसमें सबसे टॉप पर है जोन फाइव, जहां सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है और उसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बिहार, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार। तो जिस तरीके के हालात अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं उसके तहत हम ये समझने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि भूकंप के ये डेंजर जोन वाले राज्य और शहर कौन कौन से हैं। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजू, आपके साथ भी एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। यहाँ राज्यों और शहरों पर जिस तरीके से जोन वाइज खतरे की हम बात कर रहे हैं ये हमने समझा, लेकिन आज के ये हालात को देखते हुए तैयारी होनी कैसे चाहिए, कैसे आम लोग इसको लेकर अलर्ट रह सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मेघा रजौरिया मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट हैं और उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से अभी रिसेंटली ये जो भूकंप आए हैं, कल भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है और किस तरीके से लोगों को इस पर प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मैम देखिए, मैं आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपर्ट की एडवाइस दे सकती हूँ कि लूनर इक्लिप्स से भूकंप का कोई संबंध नहीं है जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, क्योंकि लूनर इक्लिप्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और जो हमारा अर्थक्वेक है वो एक जियोलॉजिकल इवेंट है। इसमें सेस्मोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं उस वजह से होता है, और जहाँ तक कि चंद्र ग्रहण की बात हम कहेंगे, चंद्र ग्रहण एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। वहाँ पे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी की परछाई जो है चंद्रमा पर गिर रही है और उस वजह से वो परछाई की वजह से हमें वो ग्रहण दिख रहा है। जानिए ना, बार बार जिस तरीके से ये भूकंप आ रहे हैं, बार बार धरती जिस तरीके से हिल रही है, आखिर धरती के नीचे हो क्या रहा है, कितना बड़ा संकेत है, कितना बड़ा खतरा है ये? जिस तरीके से मैम बार बार धरती हिल रही है, भूकंप के झटके बैक टू बैक इस तरह से महसूस किए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, क्या कारण हो सकता है, धरती के गर्भ में क्या ऐसा हो रहा है जिस वजह से ऐसे झटके बार बार महसूस हो रहे हैं? मैम, वो सेस्मोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हमने ये शुरुआत में भी बातचीत करने की अंजू कोशिश भी की थी कि ये जो प्राकृतिक वजह इसकी है कि बार बार भूकंप के ये झटके आते हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमारे दर्शकों के सामने कि आखिर क्या इतिहास रहा है इसका, क्योंकि कब कब महाविनाश आया है, कब कब जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, एक एक डिटेल आपके सामने। यहां सबसे पहले नेपाल को लेकर बात, क्योंकि 2015 वो वक्त जब 9000 से ज्यादा लोगों की भूकंप की वजह से जान चली गई थी। नेपाल के बाद देखिए इंडोनेशिया, जहां बार बार भूकंप के झटके महसूस जरूर किए जाते हैं, लेकिन साल 2004 जब 2,00,000 से ज्यादा लोगों को इस महाविनाश में अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इंडोनेशिया के बाद देखिए किस तरीके से पेरू के हालात बताए जाते हैं, क्योंकि पेरू के इतिहास को भी अगर आप देखें तो 1970 का वो वक्त जब वहां जोरदार तरीके से धरती हिलने की वजह से महाविनाश आया था कि 18,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और पेरू के बाद अब चिली को लेकर भी खबरें रही हैं,
1960 का वो वक्त जब 6,000 लोगों की मौत हो गई। हालांकि चिली में एक बार फिर से भूकंप के जिस तरीके से झटके महसूस किए जा रहे हैं उसको लेकर भी तैयारियां की जा चुकी हैं। और चिली के बाद अब बात होगी भारत की। भारत में 1934 का वो साल जब 30,000 से ज्यादा लोगों को इस महाविनाश में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि भारत में तैयारी कैसी है, भारत के आज के ये हालात क्या संकेत दे रहे हैं, इसको लेकर तो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन में देखिए 1920 का वो साल जब 2,00,000 से ज्यादा लोगों की जान विनाशकारी भूकंप की वजह से गई थी। कैलिफोर्निया साल 1906 3,000 लोगों की यहां भी जान चली गई थी। इसलिए हमारे सवाल इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स के साथ उसी आधार पर है। वो सर सवाल मेरा आपसे है, क्या ये संकेत इस बात के हैं कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है? क्योंकि अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो क्या हमें भी इस महाविनाश का करना होगा सामना? आपने जो लास्ट पे कहा वो बिल्कुल सही है, हमें तैयारी करनी है और हम कर रहे हैं। इसका भी थोड़ा सा अगर मौका मिले तो आप जिक्र करिए। तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है और जो आपके जो सेंसिटिव जोन है स्पेशली जोन 5 और जोन 4 इसमें काफी हद तक तैयारी हो चुकी है। रिसेंटली हमने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि हमें उस दिन बता देता है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे पास कोर्ट्स बने हैं, BIS के कोर्ट्स हैं। ओनली थिंग इज हमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की कैपेसिटी का जो है वो अभी तक हम काफ़ी पीछे हैं। मैं अगर गेस करूँ एक स्टैटिस्टिकली तो हमारा 1% इंजीनियर भी इंडिया में आज तैयार नहीं है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन करने के लिए। सिमिलरली आर्किटेक्ट्स का इवन 0.5% आर्किटेक्ट्स इंडिया में तैयार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है वो रेगुलर कोर्सेज करती है, बट इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। इस कंसर्न के तहत क्या अभी भी और ज्यादा एक्शन प्लान को लेकर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है? साथ ही अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस को लेकर हो रहा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसके अलावा कम बैक टू यू सर, मेरा सवाल ये प्रजापति सर से था। प्रोफेसर प्रजापति, ये बिल्कुल सही है कि हमें और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की जब भूकंप आते हैं और विशेषकर जोन 4 और जोन 5 में, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में हमें काफ़ी जो नियम है उनमें कड़ाई का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का जो प्लान है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से लागू करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जोन 4 और 5 में जब इस तरह के भूकंप आते हैं तो जो बड़ी इमारतें होती है उनको नुकसान होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो भी सिस्मोलॉजी सेंटर के जो दिशा निर्देश होते हैं, जो जो जानकारियाँ होती है और जो पुराने हमारा अनुभव उनको लेके लेते हुए हमें आगे आने वाले समय के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर सुशील कुमार, अब जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों साथ ही हिमालयन रेंज को लेकर खतरे की बात हमेशा कही जाती है इस नेचुरल कैलामिटी के दौरान, क्या यहाँ पर आपको लगता है विकल्प के तौर पर ऐसे कदम पहले से उठा लिए गए हैं ये देखते हुए कि किस तरीके से ये जोन 5 और जोन 4 के एरियाज में आते हैं? उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है इसके लिए। एग्जैक्टली ये कहूंगा कि अभी IIT रुड़की के साथ में जैसे सर ने बताया अभी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है और यहाँ पर वाड़िया इंस्टीट्यूट ने भी 20 से ज्यादा ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ इवन उत्तराखंड में ही लगाए हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया में देखें तो 60 से ज्यादा ऐसे सेस्मोग्राफ लगाए हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें रियल टाइम से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम ये देखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट सेंसिटिव, पर हमें ये मानना पड़ेगा क्योंकि इस कोलिजन से जो इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही है, तो हमें देखेंगे कि फ्रंट से देखें तो हमारा प्लेन से मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो देहरादून से ही पास होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो बटवारी और ये पास होती है जोशीमठ से और इंडो संको सूचक जोन। इतने बड़े बड़े फॉल्ट हमारे लंबे लंबे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 2400 किलोमीटर में स्प्रेड है राइट। और इस तरह से हमें मानना पड़ेगा कि जो अभी आपने जो आंकड़े दिखाए उसमें 1897 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जो 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, फिर 1905 में, 1934, 1950, यानी 53 सालों में 4 बड़े अर्थक्वेक आए और 1950 के बाद में सर यही एक रीजन था कि हम बताना चाहते थे कि किस तरीके से इस प्राकृतिक आपदा की वजह से हजारों नहीं लाखों लोगों की पहले भी जान जा चुकी है।